कप्तान की विकेट ली, दूसरे श्रीलंका के कप्तान की विकेट ली कुलदीप यादव ने, पर उसके पहले वो जो DRS था, ये तो आशीष अक्सर होता है ना, बॉलर बेचारा बोलता रहता है, कप्तान सुनता नहीं है, ना इंसाफी, बहुत ना इंसाफी। देखिए गेंदबाज ने बोला, गेंदबाज काफी समय बाद खेल रहे थे, कप्तान भी नए हैं और मैं तो कहूंगा कीपर भी नए हैं। या पर इसमें सिर्फ एक, अगेन एक नजरिया वो है कि सब बिल्कुल नए हैं, दूसरा नजरिया मैं कहूंगा कि आपको ये सीखना है क्योंकि आपके पास ना दो रिव्यू थे उस समय, 132 रन का मुकाबला चल रहा है, शनाका उनके कप्तान है जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, शनाका हसरंग का, तो यही कुछ खिलाड़ी है जिन्होंने ज्यादा T20 खेली है पिछले 1.5-2 साल में श्रीलंका के लिए, तो उस समय पे आपको जाना चाहिए। अगर आप शक, आप 100% श्योर भी नहीं है, अगर आप रिव्यू लूज भी कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो वो सब चीजें आपको बतौर खिलाड़ी अपने जहन में जरूर रखनी चाहिए। जो उम्मीद करता हूँ कि शिखर धवन तो मुश्किल है कि आगे, हम उम्मीद करते हैं कि अभी विराट कोहली या रोहित शर्मा आगे जब श्रृंखलाओं तो हर जगह खेले हैं, तो अगर और कुलदीप यादव भी सीखें कि अब वहां पे MS धोनी नहीं है जो पहले आपकी हेल्प करते थे, संजू सैमसन है जी, तो बतौर गेंदबाज अगर आपको लगता है तो ये आप और जोर डालना चाहिए आपको, और जोर शिखर धवन कप्तान है, गब्बर भाई ले लो, दो है हमारे पास, थोड़ा सा भाई देखिए नए नए कप्तान है तो आप थोड़ा सा उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो तो देखिए मैच में उतना फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो शनाका ले ली ना, अगले ओवर में विकेट ले ली कुलदीप ने, पर ये बात तो है कि डांस तो करवा रहे थे थोड़ा उस वक्त कुलदीप शनाका को, उस वक्त जब शनाका बाहर निकल के आए तो मुझे लगा था कि जब स्टंप हुए आधे पवेलियन पहुंच गए थे वो, जब तक बॉल कीपर के पास पहुंची उन्होंने कहा भाई ले ले यार, चल हमसे ना हो रहा, अगला बैट्समैन बुला लेते हैं।